पाकिस्तान की राजनीति के लिए शनिवार का दिन बेहद उथल पुथल भरा रहा। नेशनल असेंबली में 174 वोट से इमरान सरकार गिर गई। इसके कुछ देर पहले इमरान खान की आवाज पर बड़ी हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान में जैसे ही इमरान खान की सरकार गिरी, वैसे ही राजनीतिक विश्लेषक इसके फायदे और नुकसानों के आकलन में जुट गए हैं। अब इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की क्या भूमिका रही थी। एक और दावा किया जा रहा है कि नेशनल असेंबली में वोटिंग से ठीक पहले बाजवा इमरान खान की आवाज पर पहुंचे थे। इस मीटिंग के बारे में ये बताया गया कि ये बैठक बहुत सकारात्मक नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने बाजवा को बर्खास्त करने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यहाँ आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मीडिया रिपोर्ट्स में बाजवा का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि इमरान ने एक सीनियर अधिकारी को हटाने की मांग की है। बताया ये भी जा रहा है कि बाजवा और ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने शनिवार देर रात खान के साथ बैठक की। इसके कुछ ही समय पहले अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इस दौरान जनरल बाजवा के साथ इमरान की आवास पर फोर्स भी पहुंची थी। बताया गया कि दो बिन बुलाए मेहमान शनिवार की रात हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जो असाधारण सुरक्षा के घेरे में थे। करीब 15 मिनट तक खान से निजी तौर पर इनकी मुलाकात हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक से ठीक एक घंटे पहले इमरान ने बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाने का आदेश दिया था। इस वरिष्ठ अधिकारी को बर्खास्त करने और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई। इमरान को उम्मीद थी कि जो हेलीकॉप्टर उनके पास आ रहा है, इसमें उनके नए नियुक्त अधिकारी होंगे। खान ने ये भी उम्मीद की थी कि बाजवा को बर्खास्त करने से उन्हें नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 Digital।